वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं करने वाली हूँ वन कलर फूड चैलेंज फॉर 24 आवर्स। टाइटल और मेरे आउटफिट से आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कौन सा कलर पिक करने वाली हूँ 24 आवर्स ईटिंग चैलेंज के लिए। या मैं रेड फूड खाने वाली हूँ फॉर 24 आवर्स, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ में ओनली रेड रेड, और मेरा आउटफिट भी रेड है। सो देखते हैं कि कैसा जाता है हमारा ये चैलेंज, क्योंकि रेड 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 सब अरेंज करना पड़ेगा मुझे। अब देखते हैं मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ और फिर आप लोगों को मिलती हूँ। गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। ब्रेकफास्ट में मैंने ब्रेड के ऊपर इसे रेड करने के लिए लगाई है फ्रूट जैम, और ये है मेरा वाटरमेलन जूस। वैसे तो मैं चाय पीती हूँ और चाय के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। मैंने दिल पे पत्थर रख के इसे चुना है, मतलब आज चाय को नो बोला है दिल पे पत्थर रख के। ये मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे रहने वाली हूँ चाय के बिना। सो कोई बात नहीं, लेकिन चैलेंज है तो करना ही पड़ेगा। अब मैं जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। अच्छा लग रहा है, परांठे खाने वाले बंदे, चाय परांठे खाने वाले, आज सुबह सुबह ये खाए हम ब्रेड। सो अब मैं ये जूस पीऊंगी। बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा है। पीते ही ऐसा लग रहा है ना कि वाह, शिमला की वादियों में पहुंच गई मैं। जिसे लॉकडाउन में घर बैठे शिमला जाना हो ना, तो ये वाटरमेलन जूस पी लिया करो सुबह सुबह। ब्रेकफास्ट हो चुका है मेरा। अब देखते हैं कि मैं लंच में क्या खाती हूँ। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, तो मुझे अभी रेड कलर का कुछ नहीं मिल रहा है खाने के लिए। थोड़ी सी भूख फील हो रही थी तो मैंने यहाँ टमाटर काटा है एक, अब मैं इसे ही खा लूँगी। वैसे भी मुझे टमाटर बहुत अच्छा लगता है, सो मैं खा लूँ पहले। रेड मुझे कुछ भी नहीं मिला घर में, मुझे लगता है मुझे लाना पड़ेगा। पहले से प्लान नहीं था चैलेंज इसीलिए, नहीं तो मैं पहले ला के रख लेती। अभी मेरे को जो मिला मैंने खा लिया, बाकी हम देखते हैं। अभी जाऊंगी या फिर किसी से मंगवाऊंगी। अभी के लिए तो पेट को थोड़ी सी तसल्ली मिल गई है, बाकी अब टेंशन है कि मैं लंच में क्या खाऊंगी। ओह नो, अब मैं क्या करूं। देखते हैं लंच में क्या खाती हूँ मैं। कुछ तो करना पड़ेगा। गाइस, गर्मी बहुत हो रखी है, अब मैं जा रही हूँ देखने कि रेड कलर का मुझे क्या क्या मिलता है फॉर माय लंच एंड डिनर। गाइस, मैं शॉप जाके आ गई हूँ, रेड कलर की ढेर सारी चीज़ें ले आई हूँ। कुछ मिल गई हैं और कुछ नहीं मिली है तो मैं मंगवा लूँगी। हालत ख़राब हो गई है क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा वाली गर्मी हो रखी है, इतनी ज़्यादा वाली लिटरली कि पूछो मत, पूरा बुरा हाल हो गया। थोड़ा सा जाके आ गई, जल्दी जल्दी जाके लेके आ गई हूँ मैं। गाइज़, अब मैं खाने जा रही हूँ अपने लंच में ये वाटरमेलन, या वाटरमेलन फॉर लंच। मैं इकट्ठे नहीं खाऊंगी इतना कुछ, क्योंकि इकट्ठे खाऊंगी तो फिर मेरे को बहुत हैवी हैवी फील होता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटे मील्स में खा लूँगी।
बार बार, जैसे कभी कुछ कभी कुछ, मतलब इकट्ठे में अलग अलग तरह की चीजें नहीं खाऊंगी। जैसे अभी लंच में मैं वाटरमेलन खा लेती हूँ, फिर 1 घंटे बाद कुछ खा लूंगी, ऐसे करके मैं अपना चैलेंज कंप्लीट करूंगी। फॉक लेना भूल गई मैं, पर अब मैं ऐसे ही खा लूंगी, कोई बात नहीं। अगर इकट्ठा ज्यादा खा लेती हूँ तो मुझे बहुत हैवी फील होता है, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी। सो गाइज, अब मेरा लंच हो चुका है, अब मैं थोड़ी देर बाद फिर कुछ और खा लूंगी। सो देखते हैं नेक्स्ट मैं क्या खाती हूँ। सो गाइज, शाम हो चुकी है और शाम के 5:30 बज गए हैं, तो अब मैं खाऊंगी रेड फूड अगेन। तो लेज है मेरे पास रेड, और एक ये रेड स्टिंग है, एंड पता नहीं क्या है, मैंने कभी नहीं पिया ये। स्टिंग एनर्जी लिखा है इस पर, पहली बार ट्राई करूंगी मैं। रेड दिखी तो हमने उठा ली। सो अब मैं लेज खाती हूँ और साथ में ये पीती हूँ, दोनों रेड रेड है। सो या गिरेगी तो नहीं, कभी लिमका वगैरह नहीं पिया, मुझे अच्छी भी नहीं लगती ऐसे बताऊं तो। वाओ, इसकी स्मेल बहुत, स्मेल नहीं, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी, खुशबू आ रही है इसमें से, देखने पीके टेस्टी तो बहुत है। च्युइंगम होती है ना जैसे, वैसे ही मैं इसको लेस के साथ ट्राई करती हूँ, शायद मुझे सही लगे। बड़ा अजीब सा टेस्ट है यार, समझ ही नहीं आ रहा कैसा है। जब पी रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, पीने के बाद अंदर चला जाता है तो अजीब सा हो जा रहा है। लेस के साथ सही लग रही है। आप लोग सोच रहे होंगे ना मैंने कपड़े क्यों बदल लिए, एक्चुअली वो टॉप थोड़ा ना बॉडी हगिंग था, तो जैसे मैं खाती जा रही थी तो मेरा पेट और बाहर निकली जा रहा था, और वो मुझे इतना इरिटेट करने लगा टॉप की, मैं उसे और बर्दाश्त ही नहीं कर सकी, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। कंफर्टेबल रहना भी तो जरूरी है ना, बाल भी इसलिए बांध दिए, गर्मी लग रही थी। सो गाइज, अब मैं आपको डिनर के टाइम। सो गाइज, अब हो चुका है डिनर का टाइम, और डिनर में मैंने बनाया है टमेटो सूप बनाया मैंने, टमेटो सूप दिखा। अब मैं इसको पीट, नम नम, अच्छा लग रहा है, टेस्टी टेस्टी, खट्टा खट्टा है। सो गाइस, वैसे तो मैं पेस्ट्री भी लाई थी अपने रात के डिनर के लिए, वो भी मैं अभी खाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं सूप पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पेस्ट्री खाऊंगी, क्योंकि मेरा पेट भर चुका है अभी तो, अभी पेट में जगह नहीं है, थोड़ी देर के बाद मैं खाऊंगी। सो गाइस, आज के चैलेंज की लास्ट डिश है ये मीठी मीठी पेस्ट्री, जो कि है रेड कलर की, इसका रेड रेड वाला पार्ट मैं खा लूंगी और वाइट वाला छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे चैलेंज का हिस्सा है सिर्फ रेड कलर। सो गाइस, मैं ये खा लेती हूँ, एंड करते हैं चैलेंज का कुछ मीठा खा के।
आज का चैलेंज यहीं पर एंड करते हैं। होप सो कि आपको ये चैलेंज अच्छा लगा हो। मैंने पूरा दिन रेड रेड खा लिया और मेरा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। सो अब करते हैं चैलेंज को एंड। मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। सो बाय बाय।